हाफ पैंट पहने हुए हट्टे कट्टे लोग, कुछ हाफ पैंट भी पहने थे, कुछ वैसे पैंट पहने थे, जो इस तरह से स्प्रे, क्योंकि लग रहा था लोगों को बोतल है, जैसे पानी की बोतल पकड़े होते हैं उतना वेट की, तो वो खड़े होके एक जैसे साजिश पूरी प्लान के तहत एकदम तेजी से भागे, तेजी से एकदम भागे, और भागने के साथ उन्होंने इस तरह से स्प्रे, जैसे ये स्प्रे होता है हाथ नीचे करके इस तरह से ऐसे करके स्प्रे, ऐसे पूरा स्प्रे करते रहे। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते किस प्रकार की घटना, केवल एक हादसा नहीं होता, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने, कासगंज एसपी साहब के सामने और अंडरवर्ल्ड रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस, जिनकी निगरानी में, जिनके कमीशन जो बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उनको ये चीज रखनी है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताई, वो साइड प्लान देना एक बार, वो जिसमें अलीगढ़ से आते हुए और टूवर्ड्स एटा जाते हुए, ये है साइड प्लान इसका। ये देखिए, ये अलीगढ़ से रास्ता है और इधर जा रहा है एटा के लिए, ये पंडाल है, ये जगह है, घटना स्थल ये है, घटना यहाँ हुई है। यहाँ पर काली और सफेद स्कॉर्पियो खड़ी थी और भी गाड़ियां खड़ी थी, ये दो तो आइडेंटिफाइड हुई है स्कॉर्पियो वाली, जिसमें हाफ पैंट पहने हुए हट्टे कट्टे लोग, कुछ हाफ पैंट भी पहने थे, कुछ वैसे पैंट पहने थे, जो इस तरह से स्प्रे, क्योंकि लग रहा था लोगों को बोतल है, जैसे पानी की बोतल पकड़े होते हैं उतना वेट की, जहरीली पॉइजनस स्प्रे इस तरह से, एक पूरी उन्होंने प्लानिंग के साथ लाइन, जैसे वहां एक वहां है, एक वहां है, एक यहां है, एक वहां है, एक वहां है, उतनी दूर है, ठीक है, तो वो खड़े होके एक जैसे साजिश पूरी प्लान के तहत एकदम तेजी से भागे, तेजी से एकदम भागे, और भागने के साथ उन्होंने इस तरह से स्प्रे, जैसे ये स्प्रे होता है, हाथ नीचे करके इस तरह से ऐसे करके स्प्रे, ऐसे पूरा स्प्रे करते रहे और भागते रहे, अपना भागते रहे और स्प्रे पीछे होता रहा। जो आई विटनेस है, जिनकी मां और जो स्वयं भी थे, वो एकदम गिरी, उन्होंने भी बताया कि एकदम जैसे ही सांस ली वैसे ही लगा कि एकदम बस गिर गए, उसके बाद फिर होश आया और उसके बाद भगदड़ भी मची, गिरते भी रहे, बेहोश भी होते रहे, कुचलते भी रहे, मरते भी रहे, और बेहोश होने के बाद ले जाए गए, क्योंकि एक साथ बेहोश हुए हैं और एक साथ हुआ है सारा काम, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र थी, ये साजिश, वो करने वाले तो केवल यूज किए गए, करने वाले तो एक अटैकर थे, जो स्प्रे पॉइजनिंग अटैक किया है वो तो केवल यूज किया, लेकिन इसके पीछे एसआईटी से अनुरोध करता हूं, जांच का बहुत बड़ा विषय है, गंभीर जांच का, वो लोग कौन हैं जो नारायण साकार हरि को, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को या सनातन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए साजिश रच रहे हैं। आई विटनेस कितने लोग हैं, किसने आपको बताया? अभी हमें, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने कल और परसों से अनुरोध कर रहा हूं कि वो मुझे हमारे मोबाइल नंबर, मैंने मोबाइल नंबर फ्लैश किया कि 9810368152 पे दे दें, क्योंकि लोग आइडेंटिटी से डरते हैं, बड़ा मामला है। हमने अपना पेज डॉक्टर एपी सिंह लार फ्लैश किया, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लार फ्लैश किया, तो उस पर लोगों ने बताई, फिर बात की और कहा हम आपसे मिलेंगे भी, और सच्चाई है, और ऐसे ऐसे ये मौत हुई है और ये घटना है। हमने फिर कुछ डॉक्टर से बात की थी जब गए थे, हमने कहा क्या कारण, कैसे रहा, दब के, कहीं दबना तो कुछ नहीं, टूटना फटना तो कुछ नहीं, कुचले, थोड़ी चोट लगी, घिसते, किसी का फ्रैक्चर हुआ, वो तो एक अलग विषय था, लेकिन हुआ सडन, तुरंत दम घुटने से, जो दम घुटी है तुरंत हुई मौत, दम घुटने से, कारण दम घुटने से। जहरीली गैस फैला रहे थे वो लोग, कौन थे, क्या उसकी कोई पहचान की गई अभी तक? वो पहचान हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपके से अनुरोध की, एटा की तरफ का टोल और अलीगढ़ की तरफ का टोल, जो बीच में आयोजन था, दोनों तरफ के टोल को उस समय सुबह से लेकर शाम तक के पूरा जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं वो सीज कर लिए जाए। उस समय सर जो पुलिस प्रशासन की जो भूमिका थी उस पर आप सवाल नहीं उठा रहे हैं? नहीं, सवाल उठा रहा हूं। 80,000 की परमिशन थी, संख्या अधिक बल हो गया, हो सकता है, लेकिन हमें ऐसे आयोजन हर प्रथम मंगलवार को होते हैं और उसके बीच में भी होते हैं, पूरे साल चलते हैं आयोजन, हर जगह बरसों से चल रहे हैं, हर जिले में, हर प्रदेश में चले हैं, कभी ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन ये बढ़ती लोकप्रियता या साजिश या किसी दूसरे
अनुयायी की दूसरे मतलब जो व्यक्ति हैं दूसरे पैरेलल जो कर रहे हैं इस तरह से धार्मिक अनुष्ठान ये करते हैं या उनकी या उन लोगों की साजिश थी, क्योंकि उनकी किसी की दुश्मनी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं था, कोई धन का झगड़ा नहीं था, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं था, ये बढ़ती लोकप्रियता का ही था विषय जो खत्म किया जाए और जिसकी वजह से 10 से 15 लोग 14 लोग 15 लोग मतलब ऐसा पूरा एक साथ दूर दूर खड़े हुए भीड़ महिलाओं के पीछे से और उनके साथ भागते हुए, क्योंकि महिलाएं थी अपने बेसुध खड़ी होती, उनके बीच से कोई आदमी निकलता है पुरुष निकलता है भागते हुए तो उन्हें लगता है क्योंकि महिलाओं का अलग था और वो निकले और स्प्रे उनका बराबर दबा रहा चलता रहा जिसलिए धड़ाधड़ क्योंकि कोई ऐसे चल रहा और गिर जाए। लोगों ने बताया कि चल रहा और गिर जाए ऐसा क्यों, क्या मतलब है? और हार्ट अटैक से किसी की मौत नहीं है, कोई वैसे पेशेंट नहीं थे, कोई ऐसे बीमार नहीं थे इतने लोग, और इतने लोग बेहोश भी रहे। कुछ की इम्यूनिटी पावर ज्यादा थी, किसकी क्षमताएं ज्यादा थी वो शायद बचे रहे। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता, अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है? इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना के तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके, यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।